पर्यावरण के बात कर रहा है, खूब कचरा फैलाएंगे, इधर से उधर कचरा फैलाएंगे, पूरा प्लास्टिक यूज करेंगे। अरे सुधर जा भाई, सुधर जा, सुधर जा भाई, सुधर जा, सुधर जा भाई, सुधर जा। अरे सुनो, आसमान फटने लगेगा, धरती लावे फेंकने लगेगी, सांस तुम्हें रुक जाएगी, नींद तुम्हें ना आएगी। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया गया? नाटक देखने के लिए।
जाएंगे जब तक कि कितने सारे कचरे इकट्ठा हो जाएंगे। ये 30 साल के अंदर में कोई कचरे का पहाड़ देखा है तो देश में है, इसी दिल्ली शहर में है, हरप्पा देवी बराबर में मेरा कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। इसी तरह से दुनिया के हर कोने में सिर्फ प्लास्टिक वाले कचरे का ही ढेर होगा और वहाँ के लोग ताप ताप करके मरेंगे, सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे। इतनी प्रदूषण फैलाऊंगा, इतनी गंदी प्रदूषण फैलाऊंगा, लोगों को जीना मुश्किल कर दूंगा, मुझे कोई मार भी नहीं सकता, मैं अमर हूँ। इस दिवाली में खूब दीप जलाएंगे, पटाखा तो इतना छोड़ेंगे पूरा वातावरण दूषित कर देंगे। पूरे अपने जितना साथी है सबको हम पटाखा लगेंगे, पटाखे जलाएंगे। एक मिनट, आप लोग तैयार हो इनके बाद पटाखा जलाने के लिए? वेरी गुड। पटाखे तुम जलाओगे, प्रदूषण तुम फैलाओगे, सांस तुम ना ले पाओगे। पटाखे फैलाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक किसी को चैन से सांस नहीं लेने दूंगा। सबकी हुई मौत और हॉस्पिटल जाने का जो है लफड़ा, ये हमेशा जिंदगी भर ही लगा रहेगा। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हमेशा ही जिंदा रहूंगा, मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार भी नहीं सकता, मैं वक्त प्लास्टिक हूँ। मैं अरे क्या आप लोग मेरा हमारा साथ देंगे इस कचरे को हटाने में? ये ऐसे नहीं मानेगा। क्यों नहीं, हम साथ देंगे हम लोग। तो आओ आज इस दिन हम एक दीपावली के दिन एक पेड़ लेते हैं। आप लोग साथ दे रहे कि नहीं दे रहे? हाथ उठा के बोलिए ना। इस दीपावली हम पटाखों से नहीं, दिया जला के और एक पौधा लगाकर ही दीपावली मनाएंगे और इस धरती को जितनी खूबसूरत है उससे भी खूबसूरत बनाएंगे और खुशियाँ ही फैलाएंगे, खुशियाँ ही फैलाएंगे। जब तक हम जिंदा है खुशियाँ फैलाओगे, धरती को खूबसूरत बनाओगे। मैं भी आज शपथ लेता हूँ, प्रण करता हूँ, लेकिन जब तक हम जिंदा है इस दुनिया में प्रदूषण ही फैलाएंगे, कचरा ही फैलाएंगे, प्लास्टिक ही फैलाएंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। आप लोग कचरा है उसे नहीं सुधरेगा, उसके लिए क्या किया जाए? हम लोग खत्म करो भाई, खत्म करो, मारना चाहिए, बिल्कुल खत्म करो। मारने के लिए आप लोग तैयार हो ना? ऐसे नहीं, ताली बजाओ। अभी भी हम लोग जो है बहुत सारे प्लास्टिक या सब्जी के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग आज से ही बोलते हैं कि प्लास्टिक यूज ही नहीं करना है, ये असंभव, किसी के लिए संभव नहीं है। कि कोई भी आदमी अचानक कोई चीज छोड़ नहीं सकता, लेकिन अपने जहन में अपने दिमाग में ये चीज जरूर बिठा के रखिए, जो थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक को कम करते करते इसको जैसे खत्म कर दें। नहीं तो आज हरप्पा देवी में एक पर्वत जो है प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हुआ है, कल को हमारे देश में लाखों पहाड़ खड़े हो जाएंगे, इतनी तेजी से प्लास्टिक फैल रही है। इसलिए दूसरों को मत देखिए, सब आदमी अपना अपना जो है सर।